श्री भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा लाना श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित। इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुँह से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्य पूर्ण चरित्र भी देखे थे। इसमें उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं स्वयं भगवान हैं। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूं कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महायोगेश्वर शंकरसन, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है होता है वह सब तुम ही हो। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोगता तथा दोनों से परे दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। इंद्रियातीत जन्म अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मन इस चित्र विचित्र जगत का तुम ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। तुम प्राण क्रिया शक्ति और जीव ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं तुम्हारी ही है, क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं अचेतन है, स्वतंत्र नहीं परतंत्र है। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं, शक्ति तो तुम्हारी ही है। प्रभु चंद्रमा की कांति, अंगिका तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत आदि की अस्फुर्ण रूप से पता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति रूप वृत्ति और गंधर्व रूप गुण, ये सब वास्तव में तुम ही हो। परमेश्वर जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियाँ हैं वे तुम्हारा ही स्वरूप है। जल और उसका रस भी तुम ही हो। प्रभु इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डोलना चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियाँ तुम ही हो। दिशाएँ और उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रयभूत स्फोट शब्द मात्रा या परावाणी नाद बसंती
ओमकार मध्यमा तथा वर्ण अक्षर एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद रूप बेखरी वाणी भी तुम ही हो। इंद्रियां उनकी विषय प्रकाशिनी शक्ति और अधिष्ठात देवता तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों के अधिष्ठात देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। भगवान जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार घड़ा वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है और वास्तव में वे कारण मृतिका रूप ही है, उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। प्रभो सत्व रज तम ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियां परिणाम महतत्वदि परब्रह्म परमात्मा में तुम में योग माया के द्वारा कल्पित है, इसलिए ये जितने भी जन्म अस्तित्व बुद्धि परिणाम आदि भाव विकार हैं वे तुम में सर्वथा नहीं है। जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम ही तुम रह जाते हो। यह जगत सत्व रज तम इन तीनों गुणों का प्रवाह है। देह इंद्रिय अंतःकरण सुख दुख और राग लोभ आदि उन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते वे अपने देह अभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। परमेश्वर मुझे शुभ प्रबंध के अनुसार इंद्रियादि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, किंतु तुम्हारी माया के वश होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यूं ही बीत गई। प्रभु यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं। इस अहंता एवं ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो। संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। यह बात तुमने मुझसे कही भी थी, इसलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया, इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली और तुम में जो कुछ जो कि परमात्मा हो पुत्र बुद्धि। प्रभु तुमने प्रसव गृह में ही
हमसे कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतारण ग्रहण करता रहा हूँ। भगवान, तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं।